मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में बच्चों को संविधान का पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में हर हफ्ते के आखिरी दिन यानी शनिवार को बच्चों के बीच संविधान पर चर्चा कराई जाएगी और प्रस्तावना का पाठ पढ़ाया जाएगा। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेजों को भगाया, लेकिन संविधान से जिस तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है, सरकार रोकने के लिए बच्चों को संविधान के बारे में पढ़ाया जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश जब आजाद हुआ और जो संविधान बना दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान, उसमें समय समय पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। इसलिए उस समय जब बच्चा संविधान को पढ़ेगा और समझेगा तो संविधान उसके दिमाग में वो चीज अंकित हो जाएगी हमेशा के लिए। तो संविधान में छेड़छाड़ कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि हमारे देश में धरोहर है।